10.4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी ये जो तीन कंपाउंड्स गिवन है इन तीनों कंपाउंड्स में से डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है वो हमें पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हुआ है पहले से। यहाँ पे इसमें क्या है, CH2Cl2, यानी इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड दो क्लोरीन अटैच्ड है, राइट। इसका हम नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए हम सबसे पहले सभी बॉन्ड्स का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं। तो देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट या कह लीजिए आप बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो टुवर्ड्स कार्बन रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन में यहां भी टुवर्ड्स कार्बन, बट कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ रहेगा। एंड इस राइट साइड में जो दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनका जो इन दोनों बॉन्ड के वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा बॉन्ड मोमेंट रिजल्टेंट वो टुवर्ड्स कार्बन, एंड जबकि क्लोरीन वाले का टुवर्ड्स क्लोरीन, तो इनका ओवरऑल जो नेट डाइपोल मोमेंट लगता है बेसिकली इस तरफ दो क्लोरीन का कार्बन, दो क्लोरीन है इस तरफ तो क्लोरीन की तरफ रहेगा, और इस तरह से जो है इसका समथिंग डाइपोल मोमेंट होता है। एंड इसका डाइपोल मोमेंट 1.62 डायोप्टर होता है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या है, इसमें भी सिमिलर तरीके से हम कर लेंगे। इसमें कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की तरफ रहा क्लोरीन की तरफ, इस तरह से राइट साइड में कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन हाइड्रोजन के वजह से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो टुवर्ड्स क्लोरीन इसका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की तरफ रहेगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। और इस तरह से ओवरऑल जो देखते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट बनता है μ=1.03 डायोप्टर। एंड इसमें देखिए चारों क्लोरीन अटैच्ड है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि राइट साइड के दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो, एंड जो लेफ्ट साइड होगा वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 डायोप्टर होता है, यानी मतलब ये नॉन पोलर होता है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हमारा फर्स्ट पार्ट का है CH2Cl2 का। थैंक यू।